करेंगे दादरी में हुए पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में, जिसमें एक एएसआई मोहम्मद अख्तर खान की जान भी गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस परिवार को 20 लाख रुपए सहयोगी राशि देने की घोषणा भी कर दी है। सर ये एक जो कांड हुआ है सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए इसमें एक जो क्रिमिनल गैंग है, गिरोह है, उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी तो हमारे पुलिस फोर्स वहाँ के स्थानीय जो पुलिस है उन्होंने बहादुरी के साथ उस गैंग को पकड़ने में वहाँ पर एक ऑपरेशन करने में गए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे एक बहादुर सिपाही जो है, एक अफसर, वो हताहत हुए उस मुठभेड़ में और उनकी मौत हो गई। उससे हमें बहुत ही अफसोस है और लेकिन ये है कि हम लोग जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई एक ऑलरेडी हमारे गिरफ्त में है, पुलिस की गिरफ्त में है और दूसरे भी जल्दी पकड़ जाएंगे और जो तीसरा व्यक्ति है उसके लिए भी दबिश पड़ रही है। तो ये गैंग बहुत बड़े कोई हादसा वारदात करने के प्लान में थे तो ये सूचना पाने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, क्राइम को कम करना ये सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में पुलिस भरपूर प्रयास कर रही है। सरकार हमेशा कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है और वही पीड़ितों को हमेशा प्रोत्साहन राशि भी देने की हमेशा कई घोषणा करती रहती है और पुलिस प्रशासन भी हमेशा जो है आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, मौजूद रहती है, रात दिन एक किए रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सवाल उठते हैं सर, इस बारे में कहेंगे? देखिए सवाल ज़रूर उठेगा और सवाल कोई वारदात होती है तो उठेगा और उसमें मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर पुलिस की कोई लापरवाही है तो हम वहाँ सख्त कार्रवाई भी करते हैं और यहाँ तक कि अगर कहीं कोई लापरवाही हुई तो बर्खास्त भी किए गए हैं, पुलिस के सिपाही हो या पुलिस ऑफिसर हो। पुलिस की जो व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, जो हमारे पुलिस फोर्स की कमी है उसको पूर्ति करना और जैसे डायल 100 की एक नई व्यवस्था हम लोग ला रहे हैं, तो जो हमारी प्राथमिकता है कि कोई घटना अगर घटती है तो पुलिस तत्काल पहुंचे और वहां पर उस घटना को वो संभालें ताकि किसी जान माल के नुकसान ना हो। क्राइम को कैसे हम कम करें उसके बारे में कई सारे उपाय कर रहे हैं, कई सारे हमारे फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बन रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस हम इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि जो क्रिमिनल है उसका कन्विक्शन हो और एक अच्छे उदाहरण बने समाज के बीच में और एक सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ, तो नेचुरली क्राइम कम होगा। मॉडर्न जो टेक्निक्स है, टूल्स है, आज की तारीख में क्रिमिनल कोशिश करता है कि पुलिस से चार कदम आगे चले, तो उसको काउंटर करने के लिए भी हमारे जैसे एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसको हम और सुदृढ़ कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर लखनऊ में एक नई उनके लिए बिल्डिंग तैयार हो गया, वो स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी उसमें वहाँ पर स्थापित होगा। ऐसे जो संगीन मामले हैं वहाँ एसटीएफ एक्शन में आता है। तो क्राइम के जो बड़े गिरोह हैं, चाहे वो काउंटरफीट नोट्स का हो या रंगदारी हो या जो भी और क्रिमिनल एक्टिविटीज, उनको कैसे काउंटर करने का हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं उस पर, और अगर आपके पास समय हो तो हम उसका पूरा विवरण डिटेल्स आपको दे सकते हैं कि कितने सारे ऐसे जो क्राइम के मैटर्स थे हमने कैसे उसको वर्कआउट किया, हमारा पुलिस ने कैसे उसको वर्कआउट किया। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है और उसमें हम लोग बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि हमारे जो नागरिक है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित और सेफ महसूस करें और इस दिशा में जो कार्रवाई चल रही है और तेजी से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा जी, जिन्होंने हम बताया कि प्रदेश सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहती है कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए और वही दादरी कांड में हुए इस कांड में एक आरोपी भी पकड़ा गया है और वो बाकी आरोपी अभी जो भी है आरोपी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन संजय जायसवाल के साथ योगेश पांडे, साधना प्लस न्यूज लखनऊ।